हेलो दोस्तों, सनी पाजी की फिल्म गदर 2 आज अपने 16वें दिन बॉक्स ऑफिस से काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो आज की इस वीडियो में गदर 2 के टोटल 16 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही में कल रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के भी टोटल 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जवान के अब तक के टोटल USA एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के अब तक के टोटल बॉक्स इस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से काफी अच्छी कमाई कर ली है, जहां पर इस फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ने दंगल के हिंदी रिकॉर्ड को पहले ही पीछे कर दिया है, लेकिन ये फिल्म आज KGF 2 के हिंदी कलेक्शन को भी बीट करने वाली है। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है, जहां पर इस फिल्म ने तारा सिंह और सकीना की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से ऑडियंस इस फिल्म की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होती हुई चली गई और ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिल्म में देशभक्ति वाला एंगल भी था, जिसकी वजह से भी ऑडियंस ने इस फिल्म को दिल से सपोर्ट किया है। जितने भी लोगों को यह लग रहा था कि 22 सालों के बाद गदर का सीक्वल आ रहा है, तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी ना चल सके, लेकिन सनी पाजी की फिल्म गदर 2 ने यहां पर सभी को गलत साबित कर दिया है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस तरह की तबाही मचाई है जिसके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। फिल्म का क्लैश सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के साथ हुआ था। अगर इस फिल्म का क्लैश ना हुआ होता और ये फिल्म बड़े हॉलीडे पर रिलीज होती, फिर तो ये फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ कर रख देती, जहां इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान के कलेक्शन को भी पीछे कर देता। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पठान और बाहुबली 2 को भी जल्दी पीछे करने का दम रखती है, जहां पर आने वाले टाइम में ये फिल्म इन दोनों फिल्मों के हिंदी कलेक्शन को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। फिल्म सनी पाजी के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी। इसी के साथ इस फिल्म ने इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ले ली है। तो दोस्तों, अब तक गदर 2 फिल्म ने जितना भी कमाया वो अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है। किसी पुरानी फिल्म के सीक्वल के लिए इतना कलेक्शन कर पाना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए है, जिसे इंडियन मार्केट में 3500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 284 करोड़ 63 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म का दूसरे हफ्ते का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 134 करोड़ 47 लाख रुपए रहा और इस फिल्म ने अपने 15वें दिन पर 7 करोड़ 10 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और ये फिल्म आज अपने 16वें दिन पर फिर से कलेक्शन में ग्रोथ दिखा रही है, जहां पर इस फिल्म का 16वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 12 करोड़ रुपए का। तो फिल्म का टोटल 16 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 438 करोड़ 20 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 517 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये फिल्म ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 16 दिनों में लगभग 54 करोड़ रुपए का कर चुकी। इस फिल्म का 16 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 571 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों, इस फिल्म ने KGF 2 के हिंदी कलेक्शन को भी पीछे कर दिया है। तो आने वाले टाइम में ये फिल्म बाहुबली 2 और पठान के कलेक्शन को भी पीछे करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, सनी पाजी की फिल्म गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होने वाला है? क्या ये फिल्म 700 करोड़ कमाएगी, 800 करोड़, 900 करोड़ या फिर 1000 करोड़? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने गदर 2 फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी? लेकिन अगर बात करें SRK की अपकमिंग फिल्म जवान के अब तक के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म की USA बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जहां पर पठान के मुकाबले इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी शानदार हुई है। पठान ने अपने पहले दिन ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन जहां 37 करोड़ रुपए का किया था, तो यह फिल्म अपने पहले दिन ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन में पठान के कलेक्शन को भी पूरी तरह से पीछे करने वाली है और फिल्म का पहले दिन का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन लगभग 50 करोड़ रुपए से ऊपर का होने वाला है। और यह फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ रुपए का करने वाली है। तो दोस्तों, ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म पठान के कलेक्शन को तो पूरी तरह से बीट ही कर देगी और अपना एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाली है। फिल्म को साउथ डायरेक्टर अटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, थालापति विजय और दीपिका
पादुकोण दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में काफी लंबी चौड़ी स्टारकास्ट देखने को मिलने वाली, जिसमें बॉलीवुड और साउथ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तो कमाई करेगी सही, लेकिन ये फिल्म साउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा बिजनेस करने वाली है, क्योंकि इसमें साउथ के बड़े बड़े स्टार दिखाई दे रहे हैं और फिल्म के डायरेक्टर भी साउथ के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए, लेकिन ये फिल्म 3 से 4 दिनों में अपने बजट से भी ज्यादा कमाई कर लेगी और ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनने वाली है। फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के एडवांस बुकिंग ओवरसीज में 21 दिन पहले 4 से 5 देशों में स्टार्ट कर दी गई थी, जहां पर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन लगभग इस फिल्म के अब तक के टोटल यूएसए बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 431 लोकेशन पर 822 शोज पर इस फिल्म ने लगभग 12,430 टिकट सोल्ड आउट किए हैं, जहां पर इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1,91,279 डॉलर का हो चुका है, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग इस फिल्म का यूएसए बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1,58,00,000 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों, इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अभी ठीक से स्टार्ट नहीं हुई है और जब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी तो यह फिल्म कितने रिकॉर्ड बनाएगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैसे आप शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन अगर बात करें कल रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इसके सामने गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस से काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है। फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जहां पर आयुष्मान खुराना ने फिर से ड्रीम गर्ल बनकर लोगों का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, इस फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन यह फिल्म 4 दिनों में अपने बजट से भी ज्यादा कमाई कर लेगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन 10,69,00,000 रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था, वही ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन पर लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। तो इस फिल्म का 2 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 23,69,00,000 रुपए हो चुका है, वहीं इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 28 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये फिल्म 2 दिनों में ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए का कर चुकी है। तो इस फिल्म का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 32 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। वैसे आपने आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप?